पूजा घर में इन 9 चीजों का रखना होता है। शुभ माता लक्ष्मी का हो जाता है वास, धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन 9 चीजों के बारे में जिनको पूजा घर में रखना है बेहद आवश्यक। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 9 चीजें पूजा घर में होनी है जरूरी। स्वयं भगवान श्री कृष्णा ने बताया है इनके बारे में, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, आप लोगों का फिर से स्वागत है सुदर्शन टीवी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक मनुष्य अपना घर बनवाने के साथ ही सबसे पहले एक छोटा सा पूजा घर जरूर बनवाता है, जिसके अंदर वह अपने ईष्ट देवी देवता तथा उनसे जुड़ी सभी चीजों को श्रद्धा के साथ रखता है। प्रत्येक मनुष्य अपने मंदिर में देवी देवता की तस्वीर अथवा मूर्ति तथा उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें पूरे श्रद्धा भाव से रखता है। मगर आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिरों में जितना भी चीजों को रखना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अशुभ और अमंगल भी होता है। कुछ वस्तुएं आप लोग ऐसी भी रख लेते हैं जिनसे आपके घर में नकारात्मकता भी बनी रहती है और इससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश और साथ में हर तरफ से आपको नुकसान ही उठाना पड़ता है। मगर दोस्तों, आज हम उन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उन सब चीजों के बारे में हमने अपने दूसरे वीडियो में बताया है और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार भी दिया है। अगर आपने नहीं देखी हो वो वीडियो तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों के आपको अपने घर में मंदिर में कौन सी ऐसी चीजें रखनी चाहिए जिनको रखने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी पूर्ण कृपा बरसा देंगी, आपको जल्द से जल्द धनवान बना देंगी। क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर बात यहाँ ये आती है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आखिर बने कैसे, जिससे आपके जीवन से धन से जुड़ी सभी समस्याएं जल्द से जल्द समाप्त हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीजों को रखना है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करेंगी, साथ ही आपको आपकी पूजा का भी सकारात्मक फल देंगी और जल्द ही आपके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा बरसाएंगी। दोस्तों, ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार बताई गई इन 9 चीजों को आप अपने मंदिर में रख लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी, आपके ऊपर कभी भी किसी भी तरह का कोई आर्थिक संकट भी नहीं रहेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन 9 चीजों के बारे में। तो पहली चीज है शालिग्राम। दोस्तों, आमतौर पर जो लोग अपने घरों में तुलसी को रखते हैं और तुलसी की पूजा करते हैं उनके घर में शालिग्राम भी होना आवश्यक है। शास्त्रों में लिखा हुआ है दोस्तों की पूजा घर में शालिग्राम पत्थर का रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों शालिग्राम को भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। और ये बात तो आपको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं रहती हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु से दूर नहीं रह सकती हैं। इसलिए शालिग्राम रखने से आपको आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, आपका जीवन खुशहाल रहेगा। दूसरी चीज है दोस्तों शंख। दोस्तों, जिस घर में शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास जरूर होता है, तो आपको घर के मंदिर में शंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि घर के मंदिर में शंख को रखने से आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है और इससे आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही अगर उस शंख को आप अपने घर में रोज पूजा करते समय बजाते भी हैं, तो उससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, ऐसे मान्यता है कि दक्षिणावार्थी शंख को पूजा घर में रखने से आपको शुभ परिणाम मिलते हैं और
कर्ज से भी जल्द ही मुक्ति मिलती है। बस आपको अपने घर के मंदिर में एक शंख जरूर रखना है। शंख एक ही रखना है, एक से अधिक नहीं रखना है। तीसरी चीज है दोस्तों, मोर पंख। दोस्तों, अपने घर में, मंदिर में, पूजा स्थल में मोर पंख को जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों मोर पंख को घर के मंदिर में रखने से आपको इसका विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि घर के मंदिर में रखा हुआ मोर पंख आपके घर में बरकत लाता है। और ये तो बात सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख कितना पसंद है, इसलिए जो भी व्यक्ति अपने घर में मोर पंख रखता है उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो मोर पंख घर में रखने से आपके घर के सभी वास्तु दोष दूर होते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चौथी चीज है दोस्तों, तांबे का सिक्का। दोस्तों तांबे के सिक्के की बात करें तो तांबा सूर्य देव की धातु माना जाता है। जिस व्यक्ति का सूर्य ग्रह बलवान होता है उस पर दोस्तों आर्थिक संकट कभी नहीं आता है। और ज्योतिष शास्त्र की तरफ से देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्री कहते हैं कि तांबे का सिक्का कुंडली में बैठे बुरे ग्रह के प्रभाव को कम करने में आपकी मदद करता है। अगर आप अपने घर में मंदिर में रखे कलश में तांबे के सिक्के डालते हैं तो इससे आपके घर में समृद्धि के द्वार खुलते हैं। दोस्तों देखने में ये उपाय छोटा सा जरूर लगता है मगर इसका असर जबरदस्त होता है, इसलिए धन की कमी को पूरी करने के लिए अपने घर के मंदिर में तांबे के सिक्के को जरूर रखें। पांचवी चीज है दोस्तों चंदन। दोस्तों आपके घर में रखा चंदन शांति और शीतलता का प्रतीक होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चंदन की लकड़ी से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता गायत्री का जाप करने से आपको अपने जीवन में शुभ लाभ और धन की प्राप्ति होती है। आपको अपने घर के मंदिर में एक चंदन की बट्टी और साथ में सिल जिस पर चंदन को घिसा जाता है वो जरूर रखना चाहिए, क्योंकि चंदन की महक से मन के नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। और चंदन के तिलक को आप शालिग्राम और शिवलिंग पर रोज लगाएं पूजा करते समय, और साथ में खुश के माथे पर भी आपको रोज चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि माथे पर रोज चंदन लगाने से आपका मस्तिष्क शांत रहता है। और मंदिर में अगर आप चंदन को रखते हैं तो इससे आपके घर में आर्थिक समृद्धि रहती है और आपके ऊपर कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। अगली चीज है तांबे का लोटा। जी हाँ दोस्तों, तांबे का लोटा आपके घर के मंदिर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जल से भरा लोटा या कलश बोलें तो ये देवताओं का आसन माना जाता है, क्योंकि जल को शुद्ध तत्व माना जाता है जिससे देवता आकृष्ट होते हैं। कहा जाता है दोस्तों की कांसे या तांबे के कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखकर कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाकर कलश के गले बार मोली का धागा बांधा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में जल कलश रखने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। अगली चीज है दोस्तों मिट्टी का दीपक। दोस्तों अगर देखा जाए तो पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है, क्योंकि मिट्टी के दीपक में पांच तत्व होते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु से मिलकर ही बना होता है मिट्टी का दीपक। कहते हैं कि इन पांच तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को अपने मंदिर में मिट्टी का दीपक अवश्य रखना चाहिए। आप मिट्टी के दीपक में घी की बातिया कपूर जला सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और इससे आपके घर में किसी भी तरह का आर्थिक संकट नहीं होता है। अगली चीज है दोस्तों गंगा जल। दोस्तों आप जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में गंगा जल को बेहद ही पवित्र माना जाता है। गंगा जल को पवित्र इसलिए भी माना जाता है कि गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होता है, इसलिए आपको अपने घर के पूजा घर में एक तांबे या कांसे की गंगाजली में भरकर गंगा जल अवश्य रखना चाहिए।
ज्योतिष के अनुसार पूजा घर में गंगाजल रखने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता है और साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर आपके घर के ऊपर हमेशा ही बना रहता है। अगली चीज है दोस्तों गरुड़ घंटी। जी हैं दोस्तों, पूजा घर में गरुड़ घंटी। दोस्तों आप सभी को अपने घर में गरुड़ घंटी को अवश्य ही रखना चाहिए और साथ ही पूजा में उसको अवश्य ही बजाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिन घरों में घंटी नियमित रूप से पूजा में बजाई जाती है उस जगह का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। गरुड़ घंटी पूजा में बजाने से आपकी पूजा बेहद ही सफल और फलदायी हो जाती है। गरुड़ घंटी के बारे में एक पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हमने पूजा करते समय इसको क्यों बजाया जाता है, इसकी आखिर क्या मान्यता है, ये आखिर कन्हा से प्रकट हुई सभी चीजों के बारे में बताया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें आई बटन में जाकर। दोस्तों और भी कुछ चीजें हैं जिनको आपको पूजा घर में जरूर रखना चाहिए, अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।